एंड वेलकम बैक अगेन. देखा, छोटी सी हमने कहा था ब्रेक लेंगे, वापस आ जाएंगे. हम बात कर रहे हैं, हमारा आज थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम लेके आए हैं, क्योंकि अगेन दीज आर पीपल हु आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स. एंड अगेन हमारा नंबर है 855-886-6387 एक्सटेंशन 4. Extension बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने हमारे शो तक पहुँचना है. रुचिका, I'm going to come back with you. I know you were talking about that, but the New Year's Eve event you did, was it a family event or was it? Yes, I think it's one of the few family-friendly desi events. I know. So पूरा family के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों का भी अलग entertainment था. Right. नाच गाना, खाना पीना, it was all of it. So New Year's midnight पे हम 1000 balloons का balloon drop करते हैं, which बच्चे and adults enjoy. Everyone enjoys that. So that was a fun way to bring in the new years. But jo main non-profit ki bata rahi thi baat, ki we've always tried, I've always tried with my events to also support non-profit organizations. Ek organization hai Daya, which helps South Asian women. Right. Unko jo pageants hota hai hamara, we always have them as the charity partner for right. that event. Very and nice. We have another fundraising gala coming up for CRY, mm-hmm. which is Child Rights and Youth for underprivileged children in right. South Asia. Right. So I'd encourage everyone to come. We're actually getting a Bollywood celebrity for that event okay. too. Okay. So yehi hai ki east aur west ko kaise milaye. So that is, that is my aim ki Bollywood se bhi log yahan aaye aur yahan ke bhi log ko opportunity mile. And yeah. I think that's something that it's going towards my topic. To topic bhi jo log mujhe jante hain ab to Lubna ke naam ke sath hi topic hai aur topic bhi aaj ka ye hai mere viewers ke liye ki hum jo aaj baat karenge ki entertainment ki. बिकॉज एंटरटेनमेंट ऐसी चीज़ है कि अगर आपका बहुत बुरा दिन भी चल रहा है, अगर बच्चों का भी कोई मसला है, शोहर के बीवी का, तो एंटरटेनमेंट आ जाता है, देन इट जस्ट चेंजेस द होल एटमोसफियर. तो मैंने आज आप लोगों से पूछना था, आप लोगों के ख्याल में एंटरटेनमेंट क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी में? क्योंकि ज़िंदगी में कई रंग हैं, सफ़ेद है, रेड है, ब्लैक है, सभी का एक मीन है, मीनिंग है. ऐसे ही खुशियों के जैसे प्यार है, बहन का प्यार है, मम्मी का प्यार है, डैडी का प्यार है, दोस्तों का प्यार है, तो जब ये बीट आ जाती है उस प्यार में, तो एक ये एक पूरा बंच बन जाता है, एक खुशी का माहौल बन जाता है. तो ये ज़रूरी है कि हर रंग में एंटरटेन होना चाहिए और यहाँ लोग एंजॉय करते हैं अपने बीट्स को, देसी बीट को. बिल्कुल किसकी तरह से. What do you think, Richie? Why do you think entertainment? Especially मैं सोचती हूँ अमेरिका में लोग इतने बिजी हो जाते हैं लाइफ में और इतने टेंशन होते हैं, इवन बैक होम, यू नो, बिल्स पे करने हैं, ये प्रॉब्लम है, घर की समस्या. तो आई थिंक एंटरटेनमेंट इज अ वे कि थोड़े घंटों के लिए, थोड़े क्षणों के लिए, कुछ रिलैक्स, कुछ इंजॉयमेंट हो, एंड जो टेंशन है वो तो रहेंगे ही, तो व्हाई नॉट यू नो टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट टेंशन, एंड इट हेल्प्स क्योंकि पूरा मूड अच्छा हो जाता है, एंड देन यू कैन टेक दैट, फिर समस्याएं इतनी, प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं लगती हैं. हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, आई मीन आई एम श्योर सबने देखा होगा यूट्यूब पे, वो जो एक कपल है, तो वो जो अमेरिकन मियाँ है उसका, आई मीन ही इज़ अ वाइट पर्सन और उसकी जो वाइफ है वो भी वाइट है, आई थिंक द वाइफ वाज इंडियन, तो ही सैंग तुम ही हो इन हिंदी, उसने पूरा गाना वो गाया. और मतलब मुझे हो रहा था कि मैंने कहा अपने जो देसी लोग हैं वो ही नहीं अपनी उर्दू में बात करें, हिंदी में बात करें, और यहाँ पे जो बंदा, मतलब ही इज़ ऑल वाइट, ही इज़ ऑल अमेरिकन, उसने पूरा गाना वो गाया. एंड यू नो इट्स लाइक एंटरटेनमेंट, इस तरह से द फीलिंग भी होती है ना कि सब, चूँकि शादी में बहुत मिक्स हो रही हैं, तो इट जस्ट गिव्स यू अ कम्प्लीट डिफरेंट फीलिंग एंटरटेनमेंट की. और हमारा जो यू नो बॉलीवुड का जो आ गया है ख़ासतौर से, कि अब तो हर इवेंट के अंदर अमेरिकन्स, अब आप कभी कपड़ा देखने जाएँ, एंड ऑब्वियसली मेरे जो क्लोथ्स फ्रॉम रूपसाड़ी पैलेस, वहाँ पर आप देखें कि अमेरिकन लोग आ रहे होते हैं उसको लेने के लिए, एंड देन देयर लाइक नो वी वांट द लहंगा, द बिग वन, सो व्हेन वी स्पिन आवर लहंगा विल लाइक जस्ट गो ऑल अराउंड. चूँकि एंटरटेनमेंट उनको भी आप मूवीज़ में देख लें, इवन अमेरिकन मूवीज़ में बॉलीवुड का कितना वो उसके अंदर आ गया है, यू नो, और अब वो और चल रहा है आगे से, अब इट्स इन द मेन स्ट्रीम नाउ, आई मीन इट्स एक्सपैंडिंग तेज़ी से. और जब आप जैसे लोग इस चीज़ें कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की, मीडिया की, देन ऑफ कोर्स इट्स इवन मोर एंटरटेनिंग, आई थिंक. या एक्चुअली आई स्टार्टेड बॉलीवुड शेक राइट आफ्टर स्लमडॉग मिलियनेयर, अगर याद है जय हो वो मूवी जो निकली थी 2009 में, जय हो, आई थिंक उस मूवी के साथ इतने ऑस्कर अवार्ड जीता वो मूवी, गाना, यू नो, गाना इतना पॉपुलर हुआ कि उसके बाद तो अमेरिका में स्पेशली इतना बॉलीवुड का नहीं था इन्फ्लुएंस, पर उसके बाद सारे डांस कॉम्पिटिशन, जैसे सो यू थिंक यू कैन डांस, इन अमेरिका गॉट टैलेंट, सब इन ऑल ऑफ देम बॉलीवुड आप देखते हो, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट पूरी तरह से आ गया. अब हमने, इन्होंने गाने की बात की, मैंने नहीं की, अब गाने का फिर वक्त आ गया. जी 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 जी. वो अभी बात कर रहे थे मौसम वाला गाना, जी सावन आया, सावन आया मौसम, तो आपने वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए. मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है,
मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है, आज की रात न जाना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। क्या बात है, नाइस, एंड मुझे होता कि गाते हैं, इट्स अ गुड सॉन्ग। But the way you were singing, like Amrishka, I'm sure you'll agree, okay, the way he was all into it, no music. अभी तो अगर music हो तो उसमें सोने पे सुहागा होता है। अब एक show करेंगे। एक rhythm मिलती है और एक सुर मिलता है। सुर मिलता है जी, बिल्कुल। तो उसमें और आदमी भीज के और बीच में जा के तो पकड़ के गा सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि इससे कोई वो टेक्निकल हमने चेंज नहीं किया, इट्स जस्ट योर वॉइस एंड जस्ट कहते नहीं, आई मीन यू यू गिफ्ट दिल से आवाज आई थी, जो आप सलाह दे रहे थे न्यू सिंगर्स का, बिल्कुल वो एकदम वही की दिल से समझना, और गाते गाते ये सारी चीजें पता चलती, करते करते ही वो रिफाइंड होता रहता है अपने आप। बिल्कुल, और दैट वाज वंडरफुल। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स ऐसा कॉल कर रहे होंगे, जी कैसे हम जा सकते हैं, कुछ शो करना पड़ेगा हम लोगों को, व्हाट डू यू गाइस थिंक? बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपके साथ हैं। बिल्कुल, टीवी 1 हमारे आप लोगों के साथ है, जी जी आपके साथ हैं, जब भी आप बुलाएंगे और जहाँ भी आप बुलाएंगे, और बॉलीवुड शेख है हमारे साथ। आप अभी जा नहीं रहे हैं, आप तो ऐसे बात करें सब जाने वाले हैं अभी। नहीं नहीं नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये देखो, दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो मुझे जल्दी से भी रुकना पाए, थका थका महसूस करे जाके जो रेड बुल गटक ले, जिसको अनाउंस नहीं आता वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही स्यापे है, आ जाओ थोड़ा नाच लेना, घर वाले ना मापे है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, डंग 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 डंग। तो ये शो अभी चालू हुआ है आपके बीच, लुबना जी के साथ, आप सबके बीच। बिल्कुल, अब देखिए एंटरटेनमेंट कितना मिलेगा आपको उसके ऊपर। और यू नो वही बात कि एंटरटेनमेंट, आई मीन चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे कोई वो वेडिंग हो, बट आई थिंक इट्स सच इम्पॉर्टेंट रोल इसके अंदर, स्पेशली जो इमोशंस भी, गाने भी आप देख लें, एंटरटेनमेंट बॉलीवुड के ही आते हैं कि खासतौर से मुझे तो समझ नहीं आता कि रुखसती के वक्त पे अभी भी शादियों पे इतना गाने क्यों लगाते हैं रोने वाले। एंटरटेनमेंट जो है तो उसको जरा हंसते हुए रुखसत करें, लेकिन वो एक अपने टिपिकल हमारे जो अपने रीति रिवाज है वो जरूरी है। हाँ, शादियों के फेरे हैं हमारे में, आप में रुखसती होती है, तो ऐसी कल्चर है, जो कल्चर में हमारा सारा सिस्टम बंधा है। जी बिल्कुल, और जो एंटरटेनमेंट के जो गाने हैं अलग अलग भाव के हैं। हाँ, जैसे खुशी के, लोहड़ी है, दुख के, सभी सभी में एंटरटेनमेंट है। राइट, और फिर वही बात है, रोमांटिक अभी मैंने गाना सुनाया है, तो अभी मैंने मस्ती का भी सुनाया, ये इंटरटेनमेंट में आ गया जी। अभी मैं एक और सूफी सुनाऊंगा, जो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, दो मिनट में आपको सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं हो लाल मेरी, लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा शकी शाबाज कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। हो लाल मेरी, लाल मेरी, चार चिराग तेरे बलन में शां, चार चिराग तेरे बलन में शां, पंजवा में बालन आया पीरा झूले लालन, पंजवा में बालन पंजवा में बालन आया पीरा झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा शकी शाबाज कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। वंडरफुल, दैट वाज अमेजिंग। और मैं अपने व्यूअर्स मुझे जानते हैं, बड़ा कोशिश करती हूँ सीरियस होके, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट मैं गाने लगी थी तो मैंने कंट्रोल किया था, मैंने कहा नहीं संडे मंडे लोग देख रहे बंद कर देंगे, बट द वे आपकी जो एनर्जी थी, इट वाज
ये सूफी गाना है, इसकी जो इबादत करते हैं हम, सुर की इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला और वाहेगुरु और दूसरी ताकतें आपके अंदर आती हैं सच्चे दिल से अगर आप रियाज करते हो, एक मन और एक चित से जो भी काम करते हो आप, जरूरी नहीं कि रियाज ही है, ये डांस है या आपका टैलेंट है, कुछ भी है, कुछ भी हो, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? मतलब आपने ये तो बताया, लेकिन कोई कोई राज है कि आप कुछ पीते हैं? मतलब नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, कॉफी पी ली, चाय पी ली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं जब बैठते हैं तो उनको याद रखते हैं, अपने गुरुओं को, अपने उस्तादों को, तो उनसे पहले ही माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अपने हाथ अपने सिर पे रखे, हमारे सिर पे रखे, हमें हौसला दे। बिल्कुल। और हम एंटरटेनमेंट की, मैंने आप लोगों से कहा था ना हमारे व्यूअर्स से, क्या एंटरटेनमेंट का शो होगा, ऑफ कोर्स वी हैव बॉलीवुड शेख की जो फाउंडर हैं एंटरटेनमेंट और मीडिया के हवाले से, शी इज विद अस, और ये अमेजिंग सिंगर जे एस पारस। और अगर आप लोगों ने इन तक पहुंचना है तो आपको इस नंबर को कॉल करना पड़ेगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं नंबर फिर दे दूँ, इट इज़ 855-886-6387। एंड आई नो वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट, एंड एक और सवाल आता है आप लोगों के लिए कि मैनी टाइम्स अब जैसे आप देखते हैं जो अगली नस्ल है, यानी कि हम लोग बहुत बूढ़े हो गए, लेकिन द नेक्स्ट जनरेशन, इन लोगों को ज़्यादा जो अमेरिकन गाने हैं जो ज़्यादा वो उनको रटे हुए हैं, लेकिन कैसे उन लोगों में हम ये उर्दू या हिंदी के गाने उनको भी आए, या जैसे कुछ भी हो कि क्या क्या कर सकते हैं उनको उस एंटरटेनमेंट की तरफ लाने के लिए, वो आप लोगों का क्या ख्याल है? ये कोशिश इनका इंस्टीट्यूट है, ये बेटर कर सकते हैं, बल्कि इन्होंने बताया भी है जितने गोरे हैं इनके इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, इनकी कोशिश है, जैसे जय हो फिल्म को अवार्ड मिला है जी। तो उससे काफ़ी लोग इस तरफ आए हैं, देशियों की तरफ, और मैं एक गाना भी बना रहा हूँ, जब से हुए परदेसी दुनिया में छा गए देसी, जब से हुए परदेसी दुनिया में छा गए देसी, ये उसकी हुक लाइन है। और मैं चाहूंगा कि ये गाना जब मैं बनाऊं, और मैं मीडिया के सामने प्रॉमिस करता हूं आपको भी, और आपको भी इसमें मेरा साथ दीजिएगा, ये गाना मैं लिख रहा हूं। अभी जो आपने क्वेश्चन किया कैसे हमारे साथ यंगस्टर आएंगे, तो ऐसे हम कोशिश करेंगे अपने नए गाने बनाए, उनको अपने साथ जोड़े, अपना एक बैंड बनाए, अपनी एक टीम बनाए, जो भी ये सुनने वाले हैं आपसे कॉन्टेक्ट करें और हमसे मिले, तो जहाँ भी कोई भी खुशी और गम और कोई भी एनजीओ का काम होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाएंगे और अपना जो भी अपना योगदान दे सके वो आपके साथ। बिल्कुल, आई नो दैट्स वेरी ट्रू। मैं ऐड करने वाली थी, फ्रॉम बॉलीवुड शेख पर्सपेक्टिव, हम बच्चों को सिखाते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 4 एंड अप, एंड मोस्ट ऑफ देम आर बोर्न इन द US, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कनेक्ट विद द देसी कल्चर, एंड फिर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलता है कहीं परफॉर्म करने के लिए, कुछ मेले हों या कुछ इवेंट्स हों, तो दे गेट मोर involved. They're more involved. Definitely. Yes. Chalein, we'll talk more. आप लोग भी इन्वॉल्व हो गए, आई एम श्योर खुद कॉल करके आप लोग बात कर रहे होंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप लोग कहीं मत जाएगा, यू आर वॉचिंग संडे ब्रंच विद लुबना ऑन TV1.